हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके जून 2019 टामेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं। सो दोस्तों, उससे पहले बात करते हैं आप में से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जुलाई 2019 में अपने बीएड इंट्रेंस टेस्ट दिए थे या फिर अपने ओपन मैट 46 के इंट्रेंस टेस्ट दिए थे। सो दोस्तों, आपके इंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स इग्नू की वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिए गए। आप यहाँ पे अलर्ट्स के सेक्शन में देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ ओपन मैट 46 एंड बीएड इंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019। सो दोस्तों, आप इस लिंक को क्लिक करके और रिजल्ट वाले पेज में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बीएड रिजल्ट के लिए पहला वाला लिंक दिया हुआ है और ओपन मैट रिजल्ट के लिए सेकंड वाला लिंक। सो आप यहाँ पे इन लिंक्स को क्लिक करके और अपने रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं आपके जून 2019 एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, वो सभी अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। दोस्तों, आपके रिजल्ट को यहाँ पे लेटेस्ट 16 अगस्त को अपडेट किया गया था, जो कि आपके रिजल्ट की सेकंड अपडेट थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में आपके ग्रेड कार्ड को अपडेट नहीं किया गया था, जिसे आज लेटेस्ट यहाँ पे 19 अगस्त को इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, करंट ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन अगस्त 19, 2019। सो दोस्तों, आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिए। दोस्तों, आप में से काफी स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड में आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हो पाए थे, जिन्हें अभी अपडेट कर दिया गया। अगर अभी भी आपके मार्क्स पेंडिंग में रह जाते हैं, तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट में आपके ग्रेड कार्ड को फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपके टामेट एग्जामिनेशन रिजल्ट के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, एक या दो दिन में जल्दी ही आपके टामेट एग्जाम रिजल्ट को भी अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि आपके रिजल्ट की थर्ड अपडेट होगी। सो दोस्तों, इन सभी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर करें।